देश की आजादी के लिए जान की बाजी लगा देने वाले भारत माता के वीर सपूतों में से एक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की उद्योग नगरी कानपुर को अपनी कर्म भूमि बनाया था। कानपुर जो नगर है चिमनियों और घनी बस्तियों का, कारखानों और मजदूरों का, छोटे बड़े न जाने कितने उद्योगों का इस नगरी में जाल फैला हुआ है। लाखों मजदूर इन उद्योगों में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। एक समय था जब कानपुर का श्रमिक संसार बिखरा हुआ और असंगठित था। देश सेवा के अपने प्रयासों में गणेश शंकर विद्यार्थी ने मिल मालिकों द्वारा मजदूरों के शोषण और उन पर अत्याचार के विरुद्ध सन 1927 में सूती मिल मजदूर सभा के नाम से उनमें संगठन शक्ति का संचार किया। गणेश शंकर के चाचा कानपुर की ही एक सूती मिल में कार्य करते थे। किशोर गणेश शंकर ने मजदूरों की दुर्दशा देख सन 1909 से ही उन्हें संगठित करने और उनके हितों के लिए संघर्ष के प्रयास आरंभ कर दिए थे और यहीं से वे एक मजदूर नेता के रूप में उभर कर सामने आए। सन 1925 में कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। लोकमान्य तिलक का तब देहांत हो चुका था। उन्हीं के नाम पर अधिवेशन स्थल को तिलक नगर का नाम दिया गया था। गणेश जी ने अधिवेशन के विभिन्न आयोजनों का उत्तम प्रबंध किया। इसी अधिवेशन में हिंदी को कांग्रेस की अधिकृत भाषा के रूप में उपयोग में लाने का निर्णय लिया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने आजादी की लड़ाई में लेखनी को अपना अस्त्र बनाया था। सन 1913 में कानपुर से ही उन्होंने महाराणा प्रताप की त्याग भावना से प्रेरित हो साप्ताहिक पत्र प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। प्रताप के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये आशीर्वचन आरंभ से अंत तक इस पत्र का मूल मंत्र बना रहा। 8 पृष्ठों से आरंभ हुए प्रताप का प्रकाशन बाद में 32 पृष्ठों तक पहुंच गया। प्रताप के माध्यम से गणेश जी अंग्रेजों के अत्याचारों की कहानी दिल खोलकर बयान करते। अंग्रेजों को प्रताप की पत्रकारिता सहन नहीं हो पाती थी। वे उन पर जुर्माना करते, सजा देते, घर और प्रेस की कुर्की करते। अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को गणेश जी ने हर प्रकार की सहायता और सहयोग प्रदान किया। उन्होंने प्रयाग से प्रकाशित सरस्वती और अभ्युदय पत्रिकाओं के संपादन का भी कार्य किया। उन्हें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, मैथिली शरण गुप्त, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और दिनेश पालीवाल जैसी विभूतियों का सहयोग प्राप्त था। सन 1908 में उन्होंने कानपुर करेंसी में कार्य किया। राष्ट्रभावना से ओतप्रोत पत्रिका अभ्युदय पढ़ने से मना किए जाने पर वहां से इस्तीफा दे दिया। सन 1909 में
पंडित पृथ्वीनाथ हाई स्कूल में नौकरी की। वहां भी प्राचार्य द्वारा अभ्युदय पढ़ने पर एतराज के कारण त्यागपत्र दे दिया। आर्थिक कठिनाइयों में भी गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी राष्ट्र भावना के प्रति कोई समझौता नहीं किया। मोहल्ला फील खाना में आपका छोटा सा घर था। कानपुर के समीप एक छोटा सा गांव है नरबल। गणेश जी कभी कभी वहां जाया करते थे। कभी कभी वे एक आध दिन वहीं ठहर भी जाया करते। नरबल गांव के रमणीक प्राकृतिक और शांत वातावरण में वे लेखन कार्य करते। लेखन के साथ साथ उन्होंने नरबल गांव के सुधार के लिए भी अनेक कार्य किए। पाठशालाएं खुलवाई, आश्रम बनवाया और उसमें चरखे करघे आदि के प्रबंध किए। गांव की कुरीतियां दूर करके उन्होंने लोगों में नवजीवन का संचार किया। सन 1925 में कानपुर कांग्रेस के लिए गणेश जी को स्वागत गीत की रचना करवानी थी। नरबल गांव के ही श्यामलाल गुप्त पार्षद ने यह स्वागत गीत लिख कर दिया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाएं, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। स्थानीय लोगों को चरखे का महत्व बताकर उन्हें इस ओर प्रेरित किया। कानपुर के नजदीक बसे जिला फतेहपुर में हथगांव नामक स्थान की वे अक्सर यात्रा किया करते थे। ये उनका पैतृक स्थान है। प्रयाग के एक मध्यवर्गीय परिवार में गणेश जी का जन्म 26 अक्टूबर सन 1889 को हुआ था। अपनी माता की ओर से उन्हें मानव प्रेम, धर्म परायणता और अनुशासन के संस्कार मिले थे। उनकी माता गोमती देवी सहारनपुर जेल के जेलर की पुत्री थी। पढ़ाई के दौरान ही गणेश जी का विवाह कर दिया गया था। उनके पिता मुंशी जयनारायण ग्वालियर के मुंगावली शहर के एक स्कूल में सेकेंड मास्टर के पद पर कार्यरत थे। गणेश शंकर विद्यार्थी का बचपन मुंगावली शहर में ही बीता था। ग्वालियर, फतेहपुर और सहारनपुर के बाद गणेश जी के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ने वाला दूसरा प्रमुख नगर था तीर्थराज प्रयाग। धर्म, संस्कृति, शिक्षा और साहित्य की यह नगरी स्वतंत्रता संग्राम में भी गौरवपूर्ण भूमिका निभा रही थी। गणेश जी की शिक्षा की शुरुआत इसी पावन नगरी से हुई। प्रारंभिक शिक्षा का आधार बनी कायस्थ पाठशाला प्रयाग।
उपनिषदों के अनुवाद उपनिषद सुधा जैसी पुस्तकों के रचयिता और संस्कृत के विद्वान गणेश जी के पिता उनके लिए प्रेरणा और शिक्षा के स्रोत बने। विद्वान पिता ने होनहार पुत्र को बचपन से ही संस्कृत, अरबी, फारसी और उर्दू की तालीम दी। रायबरेली में किसानों पर भीषण अत्याचार हो रहे थे। राजा वीरपाल सिंह अंग्रेजों की दमन नीति की पैरवी करते हुए किसानों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे थे। इतिहास में रायबरेली कांड के नाम से मशहूर भयंकर गोली कांड में मुंशीगंज नामक इलाके में असंख्य किसानों को गोली का शिकार बना डाला गया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस कांड के विरोध में प्रताप में लिखा और न्याय की मांग की। गणेश जी पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा हो गई। इस मुकदमे में भी उन्हें जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नेताओं का सहयोग प्राप्त था। मोतीलाल जी ने तो उनके मुकदमे की पैरवी की थी। लेकिन उस समय कानून भी अंग्रेजों का था, राज भी उन्हीं का था और राजनीति भी। लेखन के साथ ही साथ गणेश शंकर जी ने सन 1916 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। उन्हें समूचे संयुक्त प्रांत की राजनीति का नियंता बनाया गया। सन 1926 में वे चुनाव जीतकर काउंसिल के सदस्य बने। संघर्ष का जो स्वर अभी तक वे प्रताप के पन्नों में संजो रहे थे वो अब काउंसिल में मुखरित हो रहा था। आजादी के इस सिपाही को अपने संघर्ष के दौरान अनेक बार जेल यात्राएं करनी पड़ी। कभी अपने लेखन के कारण, कभी अपने भाषण के कारण, तो कभी क्रांतिकारियों की सहायता के कारण। लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी की आजाद भारत की चाह उन्हें बराबर संघर्ष के लिए ललकारती और वे हर बार अंग्रेजों के जुल्म का विरोध करते। मार्च सन 1931, हरदोई जेल से छूटकर गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर आए। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। उसी शाम कानपुर में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क उठा। गणेश जी दंगे की आग शांत करने के लिए मैदान में कूद पड़े। 25 मार्च को भी वे स्वयं सेवकों के साथ दंगे की धधकती ज्वाला शांत करने के लिए संघर्ष करते रहे। पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के जोखिम भरे कार्य में भी वे सबसे आगे थे। इसी बीच जब वे एक मुस्लिम परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने जा रहे थे तभी दंगाइयों ने उन पर हमला कर दिया। हिंसा के उस नरक में आजादी का वो दीवाना न जाने कहां खो गया। 2 दिन बाद लावारिस लाशों में गणेश जी के शव की शिनाख्त हुई। मोटे खादी का खून से सना कुर्ता धोती, चश्मा, कुछ रेजगारी, बस यही मिला उस महान साधक की देह पर। भारत की आजादी का सपना देखने वाली वे आंखें सदा के लिए बंद हो चुकी थीं। प्रताप को जीवन देने वाले लेखनी के उस योद्धा की जीवन यात्रा समाप्त हो चुकी थी। स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले असंख्य देशभक्तों की तरह गणेश शंकर विद्यार्थी की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। भारत आजाद हुआ और कृतज्ञ हुआ उन तमाम वीरों का, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं का, जिन्होंने उसे आजादी के अर्थ बताए थे अपने जीवन का बलिदान देकर। गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान का समाचार मिलने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे देश का एक चमकता हुआ सितारा चला गया, लेकिन उसकी चमक तो बाकी है और मुल्क को रोशन करती है।
उसकी गर्मी मुरझाए दिलों को रोशन करती है, तो रंज क्या? सचमुच रंज तो उनकी मौत का किया जाता है जो मर जाते हैं। जो अमर हैं वो तो जीवित हैं, हमारे दिलों में, इतिहास के पन्नों में और उन स्थानों पर जो हमने उनकी स्मृति में बनाए हैं। अपनी जान देकर जिन वीरों ने हमें आजादी के माहौल में सांस लेने का अवसर प्रदान किया है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनके प्रति कृतज्ञ हों और उस मार्ग पर चलें जिसका मार्गदर्शन उन्होंने किया है। यही होगी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भारत माँ के उन वीर सपूतों के प्रति।